ਪੁੱਤਾਂ ਬਾਜਨਾ ਜਿਉਂਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਤੂੰ ਪੁੱਤ ਰੱਬਾ ਦੇਈ ਸਭ ਨੂੰ ਪੁੱਤਾਂ ਬਾਜਨਾ ਜਿਉਂਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਤੂੰ ਪੁੱਤ ਰੱਬਾ ਦੇਈ ਸਭ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪੁੱਤਾਂ ਬਾਜ ਨਾ ਜਿਉਂਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਤੂੰ ਪੁੱਤ ਰੱਬਾ ਦੇਈ ਸਭ ਨੂੰ ਬਾਜ ਨਾ ਜਿਉਂਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਤੂੰ ਪੁੱਤ ਰੱਬਾ ਦੇਈ ਸਭ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਸ ਮਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਉਸ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਜਿਸ ਪਿਤਾ ਦੇ ਕੋਲ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਉਸ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਕਿਸੇ ਕਵੀ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਸੁਲਝੀਆਂ ਲੈਣਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ ਪੁੱਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਛੱਡਦੇ ਰਾਜ ਰਾਜੇ ਤੇ ਡੇਰੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਜ ਭਾਗ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਜੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਧਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪੁੱਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਛੱਡਦੇ ਰਾਜ ਰਾਜੇ ਤੇ ਡੇਰੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਬਾਬੇ ਦੀ ਬੀੜ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਤਰ ਵਾਸਤੇ ਅਲਖ ਜਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਮਹਿਲ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਸਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੋ ਪੁੱਤਰ ਅਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਬਾਬੇ ਦੀ ਬੀੜ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਤਰ ਵਾਸਤੇ ਅਲਖ ਜਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਉਮਰ ਸੁਲੱਖਣੀ ਮਾਂ ਵਾਂਗੂ ਤੇ ਲੋਕ ਅਜੇ ਗੁੱਗੇ ਪੂਜੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਮੰਗਦੇ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਆ ਕੇ ਮੂੰਹ ਮੰਗੀਆਂ ਦੌਲਤਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇਸ ਦਰ ਤੇ ਜੋ ਭਿਖਾਰੀ ਬਣ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਮੰਗਤਾ ਬਣ ਕੇ ਇਸ ਦਰ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਦਰ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਦਰ ਤੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਕਵੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਜਦੋਂ ਆਦਮੀ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਲਾ ਡੁੱਬੀਆਂ ਬੇੜੀਆਂ ਤਰਨ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹਿਰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਸਾੜੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਕਾਲਜੇ ਠਰਨ ਕਿਉਂ ਨਾ ਜੇਕਰ ਮੰਗਤੇ ਬਣਨ ਦੀ ਜਾਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਸੱਖਣੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰਨ ਕਿਉਂ ਨਾ ਇੱਕ ਮੰਗੀਏ ਤੇ ਮਿਲਣ ਸੱਤ ਪੁੱਤਰ ਐਸੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪੂਜੀਏ ਚਰਨ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮਾਤਾ ਥੱਕ ਗਈ ਪੂਜਦੀ ਚੁਰਸਤਿਆਂ ਨੂੰ ਐ ਪਰ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਪੂਰੀ ਨਾ ਆਸ ਹੋਈ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੱਲ ਏ ਮਾਤਾ ਸੁਲੱਖਣੀ ਦੀ ਚੱਬੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮਾਤਾ ਸੁਲੱਖਣੀ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਖੜੋਂਦੀ ਹੈ ਵੱਟ ਬੰਨੇ ਤੇ ਖੜੋ ਕੇ ਆਪਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵੱਲੇ ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ ਝਾਤੀ ਮਾਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੋਚਦੀ ਏ ਕਿ ਹੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਧਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਇਦਾਦ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਫਿਰ ਪੁੱਤਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ
कई बार माता सुलकनी खेतां विच खड़ोती रोण लग जाना कि आ जड़े मेरे खेत ने इसनू कौन सांभेगा। सत्कार युग संघ जी, माता थक गई पूजदी चरस्तियां नू, ऐ पर कितों भी पूरी ना आस होई, चरस्ते पूजना पुत दा खैर मिलिया, ते पिछली उम्र विच माता उदास होई। लैके रोटियां जामदी खेत वल्ले, गौंदी राग विराग उदास होई, रोंदी वेख के भाई गुरदास कहिंदे, रोंदी वेख के भाई गुरदास कहिंदे, माता तोड़ क्यों बैठी हरास होई। माता साहब नूं भाई जी कहन लगे, केड़ी गल कीता परेशान माता, भाणा की है वरत्या नाल तेरे, तेरा हो गया की नुकसान माता। माता सुलखनी कदी रो पैंदी है, कदी हस पैंदी है, पुत्रां दे दुख बड़े होंदे ने। सत्कार युग संगत जी, मां सुलखनी रोही जांदी है, सिर दे उपर पति वास्ते प्रसादा रखिया होया है, खेतां नूं जा रही है, रो रही है। अगों भाई साहिब भाई गुरदास जी मिले ने, रोण दा कारण पुछिया, सुलखणीए की गल है, बड़ी दुखी जापती है। सुलखणीए तैनू कोई दुख लगा, जे किसे नूं कोई दुख दस दईए ते उहदा दुख वंडिया जांदा। माता सुलखणीए तू आप दा दुख दस, शायद तेरे दुख दे नाल असी कुछ मदद कर सकी। तेरे नाल की वरत्या भाणा, तू दस कत रोई जामदी। माता सुलखणी नूं भाई साहिब भाई गुरदास जी कह रहे ने, तेरे नाल की वरत्या भाणा, तू दस कातों जामदी। तेरे नाल की वरत्या भाणा, तू दस कातों रोई जामदी। माता जी तू दस कातों रोई जामदी, भैन जी तू दस कातों रोई जामदी, तेरे नाल की वरत्या भाणा, तू दस कातों रोई जामदी। भाई साहब भाई गुरदास जी पुछन लगे, माता की दुख है तेनू। अगों क्या सुलखणी सखणी ने, तेनू सच्चियां लगी सुनाउन माता, एक पुत नू तरसदी बिरद हो गई खाक, सारे जहान दी शान माता। भाई साहब की दसां, मेरे घर औलाद नहीं है, निरंकार वाहिगुरु परमेश्वर ने बहुत कुछ दिता है, पर घाटे ते एक पुत्र दी माता किड़ी किड़ी दर ते गई, कह लगी मड़िया मसाना चुराहे सब कुछ पूजे है। भाई सब कह लगे, माता मड़िया मसाना चुराहे पूजिया पुत्रां दियां दातां प्राप्त नहीं होंदियां। आखिया फिर कित्थों दातां प्राप्त होंदियां ने, माता कदी संगराना साहब गई है, छेवें पातशाह गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी के चरणों में जाके बेनती की है। भाई साहब जी कहन लगे, छेवें पातशाह गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी के दर ते जाके कभी बेनती की है? कहन लगे नहीं। भाई साहब कहन लगे, अगों भाई गुरदास जी कहन लगे, माता सबर कर चित डुलाई ना, तू इतों लंघना है छेवें पातशाह ने, हड़ली घोड़े की बाग घबराई ना, तू
मिलदा मान नमाने नू इस दर तों माता भोलिए मान विखाई ना तों दात पुत दी मिले ना जद तीकर वाग छड़ी ना परत के आई ना तों। भाई साहब कहन लगे माता सुलखनी नू छेवें पातशाह गुरु हरगोबिंद साहब महाराज रोजाना शिकार खेडन वास्ते जांदे ने। माता अज छेवें पातशाह इत्थों दी लंघ रहे ने ते उहनां दे चरणां च बेनती करी अरदास करी तेनू जरूर पुत्र दी दात सतगुरु जी बख्शणगे। की होया माता बैठ की हौसला धार के ते उधर आ गया आस पजाउन वाला दूरों वेख सुलखणी कहन लगी ओ कू जापदा इधर नू आउन वाला। जदों सतगुरु माता दे कोल पहुंचे कहिंदी अज नहीं समा लंघाउन वाला बागा पकड़ के कोंबला कहन लगी सतगुरु तुए ही भाग जगाउन वाला। छेवें पातशाह गुरु हरगोबिंद साहिब महाराज जी दे घोड़े दीआं वागां फड़ लईआं वाग फड़ के खड़ोगी जदों सुलखणी ते छेवें पातशाह गुरु हरगोबिंद साहिब महाराज माता सुलखणी नूं कहन लगे सुलखणीए की गल है। सच्चे सतगुरु हस के कहन लगे माता दस दे तेरी जो भावना है। तड़फ तड़फ सुलखणी कहन लगी एक पुत बाजो सुनी जामना यो दाता मेरे घर औलाद नहीं ओ सतगुरु मेरे घर पुत्र नहीं मेरे ते कृपा करो मैनू पुत्र दी दात बख्शो महल माड़ियां बख्शियां ने जायदादा बख्शियां ने तन दौलत बेशुमार बख्शिया ओ सतगुरु एक पुत्र नहीं तुसी बख्शिया मेरे ते कृपा करो। सत्कार योग संगत जी सतगुरु कहन लगे माता तेरे नसीबा विच पुत है नी एवें झूठा लारा कानू लावना है जाओ अपना करो विहार जाके ते नाले असा शिकार नू जावना है। सतगुरु माता सुलखणी नू कह रहे ने लिखिया पुत नहीं नसीबा विच तेरे जा अपना विहार करो। लिखिया पुत नहीं नसीबा विच तेरे जाओ अपना विहार करो। लिखिया पुत नहीं नसीबा विच तेरे जाओ अपना विहार करो। लिखिया पुत नहीं नसीबा विच तेरे जाओ अपना विहार करो। जदों सतगुरां ने माता सुलखणी नूं कहा माता तेरे नसीबां विच पुत है नहीं एवें झूठा लारा कानूं लावना है जाओ अपना करो विहार जाके नाले असां शिकार नूं जावना है। आहा सतकार जोग संगत जी जदों माता सुलखणी नूं सतगुरां ने जवाब दे दिता माता तेरे कर्मां विच किते पुत्र नहीं लिखिया फिर माता सुलखणी दे दिल नूं पुछ के देखिया जाए। सत्कार जोग संगत जी किसे आस वंद नूं बड़ा मन विच चाह होवे कि मेरी आ आस पूरी हो जानी है ते जदों उस नूं जवाब मिल जांदा है ते फिर उहदे दिल नूं पुछ के देखिया जाए। माता सुलखणी दे दिल नूं पुछ के देखिया जाए जिस नूं जवाब मिल गया कि तेरे कर्मां विच किते पुत्र ही नहीं लिखिया होया उच्चारण करो सतनाम श्री वाहेगुरु। फिर की होया माता सुलखणी ने घोड़े दियां वाकां छड़ दित्तियां रोण लग पई। माता घोड़े दियां वाकां नूं छड़ के ते कहिंदी जिंदगी मेरी बर्बाद होई ओ मैनू मेरे नसीबा ने यार दित्ती ते नगरी ताईयों नी मेरी औबाद होई। कहन लगी मैं सतगुरां नूं दोष कादा देवां
दत्ता दोष ना देओ किसै दोष करमा अपने मैं सतगुरां नूं दोष कादा देवां दोष तां मेरे करमां दा सी जे किते लिखिया हुंदा ते अज सतगुरु मेरे ते जरूर कृपा कर देंदे अगे नालों ज्यादा रोण लग पई सतगुरु लंघ गए फिर भाई गुरुदास जी मिले ने सलखणीए की गल अगे नालों ज्यादा रो रही की दसा भाई साहब सतगुरां ने जवाब दे दिता आके पुछया भाई गुरुदास जी ने माता अजे नहीं पूरी मुराद होई कह लगी मैनू मेरे नसीबा ने हार दिती ताइयो नहीं मंजूर फरियाद होई अगो भाई गुरुदास जी कहन लगे कल फिर इसे तरह आवना जे आलो कलम दवात सफेद कागज तुसा गुरां तो हथी लिखवावना माता भोलीए तेनू मंगन दी जाच ही नहीं आई किस तरह सतगुरां तो मंगी दे भाई साहब मैं तां बड़े प्यार दे नाल अरदास कीती सी सतगुरां दे चरणा विच मैनू की पता मैं किवें मंगा मैनू मंगण दा पता नहीं तुसी दस दे भाई साहब जी हुणा ने जुगती दसी क्या आलो कलम दवात सफेद कागज तुसा गुरां तो हथी लिखवावना है दरगाह विच ही सी तुसी लिखण वाले ते खैर मंगती दी झोली विच पावना जी भाई साहब जी कहन लगे अज नहीं कल नूं फिर सतगुरां इत्थों लंघना है सुलखणीए कागज कलम दवात लैके सतगुरां दे चरणा विच बेनती करी सतगुरु उत्थे भी तुसां ने लिखना सी ना जे तुसी उत्थे नहीं लिख सके ते इत्थे जरूर कृपा कर दिओ इक पुत्र दी दात इक पुत्र दी दात जरूर बख्शिश करो माता सुलखणी ने कागज कलम दवात हाथ विच लिया पहुंच गई उसे टिकाने ते जिथे भाई साहब जी हुणा ने दस्या सी कि लिखिया है ज्ञानी करतार सिंह जी कोमल उन्होंने की लिखिया है आखिर उसे टिकाने ते दिन दूजे चले सतगुरु खेडन शिकार वेखो मां ने कल वांगू वागा पकड़ लिया बोले हस के छेवें अवतार वेखो लिखिया नहीं नसीबा विच पुत तेरे साड़ी गल ते नहीं इतवार वेखो सतगुरु कहन लगे माता तेनू कल क्या सी के तेरे कर्मा विच किते पुत्र नहीं लिखिया होया ते माता अज फिर तुसी आ गए हो जदों माता सुलखणी ने कागज कलम दवात फड़ा दिता सत्कार योग संगत जी माता सुलखणी कह लगी सतगुरु उत्थे भी तुसी लिखना सी ना जे उत्थे नहीं लिख सके ते मेरे ते जरूर कृपा करो की आख्या आलो कलम दवात सफेद कागज फड़ के कलम चरीटां ते मार वेखो कह लगी सतगुरु कागज कलम दवात फड़ो कृपा करो ते की होया हुण ते सतगुरु लाजवाब हो गए सतगुरु समझ गए माता तां भोली सी माता नूं इस गल दा पता नहीं सी ए किसे सिख दी जरूर विचार होवेगी किसे सिख ने जरूर दस्या होवेगा इस माता नूं तां इस गल दा पता नहीं सी ते की होया सत्कार योग संगत जी जदों माता ने कागज कलम दवात सतगुरां नूं फड़ा दित्ती ते सतगुरु कहन लगे लिया माता छेवें पातशाह गुरु हरगोबिंद साहिब महाराज कहन लगे लिया तेरे कर्मा विच एक पुत्र लिख दी जदों कहा ना के फड़ के कलम चरीटां ते मार वेखो ते फिर की होया हुण ते सतगुरु लाजवाब हो गए फड़ के कलम कागज एका पौन लगे घोड़े सोचिया समा है बहुत सोहना ते ओ भी अपना फर्ज नभाउण लगे सुंभ जोर दे नाल हिला दिता घोड़ा एके तो साता बनाउण लगे माता सत पुत्र होसी कर तेरे सदरां सुतियां गुरु जगाउण लगे गुरु हरगोबिंद साहिब महाराज कहन लगे माता भोलीए तू एक पुत्र नूं कह रही सी निरंकार ने तेरे ते कृपा कर दिती है हुण माता तेरे घर सत पुत्र आउणगे सत्कार योग संगत जी सतगुरु कहन लगे मुस्कुरा पै हस पै सतगुरु माता
सत पुत्र होसी कर तेरे सदरा सुतिया गुरु जगाउन लगे। जदो क्या माता सुलखनी नू कि तेरे घर हुण सत पुत्र आउणगे ते माता सुलखनी कह लगी सतगुरु मैं ते अगे ही कह रही सी एक पुत्र नू की करन, मैं ता दुआ सालां बाद फिर तुहाडे दर ते आ जाना सी कि जोड़ी हुण रला दिओ। सतगुरु आ मेरे दिल दी बुझ गयो, मेरे ते बड़ी कृपा कर दिती है, वार वार मंगन दी लोड़ ही नहीं आउण हुण। सतगुरु वार वार मंगन दी लोड़ नहीं रही। नानक नदरी नदर निहाल, निहाल कर दिता जे सतगुरु ते फिर पता सत्कार जोग संगत जी। मां ने की आख्या, माता सुलखनी ने, मां ने आख्या शुक्र हजार तेरा, तू है नीविया नु उच्चे करन वाला, ऐसा गुरु नी कोमला होर कोई, ते जड़ा सखनिया चोलियां भरन वाला। मां ने आख्या सत्कार जोग संगत जी, साडे घरां विच भी निरंकार कृपा करते ने, जदों वाहिगुरु परमेसर दया करते ने ना, क्योंकि जिहड़ियां मावां ने ओ पुत्रां बदले खूहां विच जाल पाउंदियां ने। बाबे आदम ने सत्कार जोग संगत जी चौथे पातशाह गुरु रामदास साहब जी के दरबार विच जाके सेवा कीती। की सेवा कीती? जंगल विच जाया करदे ने दोने जाने, जंगल चो जाके बाबा लकड़ा लियांदा। मैं गल कर रहा पुत्र दी, जिन्हां घर औलाद नहीं ते पुत्र लई की कुछ करना पैंदा, पुत्रां लई की कुछ करना पैंदा। जंगल चो जाके बाबा लकड़ा लियांदा, एक घर रखदा, दूजी लंगर विच पाउंदा है, पुत्र दे बदले बाबा कष्ट उठाउंदा है, कर करके सेवा बाबा जांदा थक हार जी। पुत्तां लई हीले करने पैंदे हजार जी, पुत्त लई सुलखनी वागा घोड़े दियां फड़ियां सी, जोड़ हथ अरजा माता ने कीतियां बड़ियां सी, अखां विचों लाइयां माता ने हंजुआं दियां झड़ियां सी, इक तों फिर सत पुत्तर दित्ते दा तार जी। पुत्तां लई हीले करने पैंदे हजार जी। गुरु अर्जन देव महाराज जी दे महल माता गंगा जी उन्हां नूं जदों ताने वजे कहिंदे ने, गंगा नूं ताने कहिंदे करमो ने मारे सी, माता गंगा ने कीते बीड़ नूं तियारे सी, बाबे बुढ़े ने अगो बचन उचारे सी, पईआं किन्हां नूं भाजड़ां ते रिहा कौण आण जी। पुत्तां लई हीले करने पैंदे हजार जी। ओ तन हन मावां, ओ तन हन पिता, जिन्हां ते निरंकार की कृपा है, जिन्हां की गोदी दे विच लाल खेड़दे ने। सत्कार जोग संगत जी, मां सुलखनी ने सतगुरां दा शुकराना कीता, मां सुलखनी ने सतगुरां दा धन्नवाद कीता। की आख्या? मां ने आख्या शुक्र हजार तेरा, तू ए नीवियां नूं उच्चे करन वाला, ऐसा गुरु नी कोमला होर कोई, ते जड़ा सखणियां झोलियां भरन वाला। अज सतगुरां दी माता सुलखनी वडियाई कर रही है, अज सतगुरां दी उपमा कर रही है कि दुनिया विच ओ दुनिया वाले ओ एहो जिहा गुरु कोई नहीं जो पुत्रां दीआं दातां वंडदा है। आओ बड़े प्यार दे नाल धारना पढ़िए, ऐसा गुरु न जहान विच कोई जो दात वंडे पुत्रां दी, ऐसा गुरु न जहान विच कोई जो दात वंडे पुत्रां दी। ऐसा गुरु ना जहान विच कोई जो दात वंडे पुत्रां दी, ऐसा गुरु ना जहान विच कोई जो दात वंडे पुत्रां दी।
दात वंडे पुत्रां दी मेरे प्यारे जो दात वंडे पुत्रां दी मेरे प्यारे जो दात वंडे पुत्रां दी मेरे प्यारे जो दात वंडे पुत्रां दी ऐसा गुरु ना जहान बिच कोई जो दात वंडे पुत्रां दी ऐसा गुरु ना जहान बिच कोई जो दात वंडे पुत्रां दी पुत्तां बाज ना जोंदियां मावां तूं पुत्र पाते सबनों पुत्तां बाज ना जोंदियां मावां तू पुत्र पाते सबनों पुत्तां बाज ना जोंदियां मावां तूं पुत्र पाते सबनों पुत्तां बाज ना जोंदियां मावां तूं पुत्र पाते सबनों पुत्तां बाद ना जोंदियां मावां तूं पुत्र पाते सबनों पुत्तां बाद ना जोंदियां मावां तूं पुत्र पाते सबनों लख लख शुकर मनावां जो दात वंडे पुत्रां दी ओदा लख लख शुकर मनावां जो दात वंडे पुत्रां दी पुत्तां बाद ना जोंदियां मावां तूं पुत्र पाते सबनों पुत्तां बाद ना जोंदियां मावां तूं पुत्र पाते सबनों प्यारे तू पुत्र पाते सबनों सतगुर प्यारे तू पुत्र पाते सबनों सतगुर प्यारे पुत्र पाते सबनों जी सतगुर प्यारे पुत्र पाते सबनों सतगुर प्यारे जी पुत्र पाते।